अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग वेल एट योर होम. आई एम योर इंग्लिश टीचर एंड इट्स योर इंग्लिश बुक. नाउ स्टूडेंट्स, ओपन द बुक, कम टू द पेज नंबर 50. इट्स योर पेज नंबर 50, चैप्टर नंबर 6, द ट्रॉन. वी ऑलरेडी रीड दिस चैप्टर. Now come to the page number 54. It's your page number 54. Exercise D, listening and speaking. Listen and repeat the words. Mat, M-A-T, mat. Mat, M-A-T-E, mat. Hat, H-A-T, hat. Hate, H-A-T-E, हेट. इसी तरह हम लिखेंगे एम ए डी मैड, एम ए डी मैड, और एम ए डी ई मैड. नॉट, एन ओ टी नॉट, नोट, एन ओ टी ई नोट. रोप, आर ओ बी रोप, रोप, आर ओ बी ई रोप. होप, एच ओ पी होप, और एच ओ पी ई होप. के आई टी किट, के आई टी ई काइट. फिन, एफ आई एन फिन, एफ आई एन ई फाइन. बिट, बी आई टी बिट, और बी आई टी ई. नेक्स्ट इज P-I-P, pip, और P-I-P-E, pipe. Hope you all are understand. Do work in your textbook. Now come to the page number 76. It's your page number 76. Chapter number 9, The Naughty Monkey. We already read this chapter. Now come to the page number 78. It's your page number 78. Exercise comprehension. Answers the following question. We already done question answer in copy. Question number 2 is, mark the sentences true or false. The first one is, the old monkey was naughty. It's false, because kyunki naughty kaun tha? Baby monkey naughty tha. Second is, three men were cutting the wood. It's false, kyunki kitne men the? Sirf two men the. Third one is, the log was quite small. It's false, because वो जो log थी वो तो बहुत बड़ी थी. The fourth one is, the monkey did not listen to her mother. It's true, क्योंकि जो baby monkey था, baby monkey अपनी मम्मा की बात नहीं मान रहा था. Last one is, the monkey jumped up on to the log. It's true, क्योंकि वो बार बार क्या कर रहा था? वो jump कर रहा था. Now come to the page number 79. It's your page number 79. Exercise C, learning about language. Read the sentences. Look at the doing word. Rida eats mangoes. Rida is eating a mango. Rida ate a mango. Eats, ये everyday के लिए use किया है यहाँ पर. Eating now के लिए use हुआ कि काम अभी जारी है. और ate मतलब पुरानी बात हो गई, yesterday की बात थी. Which doing words tell us about the past? Write them in the blanks. ये आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पे जो इन्होंने आपको डूइंग वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको आपके पास्ट में जाके बताना है कि इनके पास्ट में जाकर ये क्या वर्ड्स बनेंगे.
और इनको कह रहे हैं राइट दैम इन द ब्लैंक्स, और फिर इन ब्लैंक्स में इन्हें फिल करना है। जैसे लुक लुक्ड सी सॉ, वॉक का लिखेंगे इसी तरह डब्ल्यू ए एल के ई डी, लॉक एल ए यू जी एच ई डी। नेक्स्ट प्ले प्लेट पी एल ए वाई ई डी, शाउट एस एच ओ यू टी ई टी, फाइंड फाउंड एफ ओ यू एंड डी फाउंड, ईट एट ए टी ई, ड्रिंक ड्रंक डी आर ए एन के, रन आर ए एन रन। नाउ कम टू द पेज नंबर 80, इट्स योर पेज नंबर 80, पोएम टू बैड। वी ऑलरेडी रीड दिस पोएम। नाउ कम टू द पेज नंबर 81, इट्स योर पेज नंबर 81, एक्सरसाइज बी वर्किंग विद वर्ड्स। मैच द वर्ड्स इन ए विद द नेमिंग वर्ड्स इन बी। इन्होंने हमें दो बॉक्स दिए हुए हैं, एक इन्होंने हमें ए दिया है और एक इन्होंने हमें बी दिया है। ये कह रहे हैं कि इन वर्ड्स को इनके नेमिंग वर्ड्स के साथ ए और बी से मैच करना है। तो किस तरह मैच करेंगे, पहले हम वर्ड्स रीड आउट करते हैं। ग्रीन पिंक ब्लू सिल्वर, ये सारे तो कलर्स नेम हैं। कौन कौन से कलर्स नेम हैं? ग्रीन पिंक ब्लू सिल्वर। कॉलम बी क्या पढ़ते हैं? कॉइन ग्रास लिप्स स्काई, अगेन कॉइन ग्रास लिप्स स्काई। अब हम इनको मैच करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे डॉट्स, यहाँ पे डॉट मार्क करेंगे ताकि हमारी मैचिंग जो है वो ख़राब नहीं हो। फर्स्ट वन इज़ ग्रीन। अब मुझे आप ये बताएं कि ग्रीन क्या होता है? कॉइन ग्रीन होते हैं, ग्रास लिप्स या स्काई। ग्रीन क्या चीज़ होती है? ग्रास ग्रीन होती है। तो हम इस वाले डॉट को इस डॉट से मैच कर देंगे। सेकंड इज़ पिंक। अब पिंक क्या होते हैं? कॉइन पिंक होते हैं, लिप्स पिंक होते हैं या स्काई पिंक होते हैं। पिंक क्या होते हैं हमारे पास? लिप्स। ब्लू, ब्लू क्या चीज़ होती है? कॉइन ब्लू होते हैं या स्काई? स्काई इज ब्लू। लास्ट इज सिल्वर, सिल्वर कॉइन। डू ऑल वर्क इन योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक। होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड टुडे वीडियो। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई विल कम बैक विथ अनदर वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।